नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ केशव। इस वक्त गांधी मैदान में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो लंका दहन है वो होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर और तमाम गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद हैं, तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं। लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव और तमाम बड़े जो नेता है वो यहाँ पर आए हुए। बीजेपी के जो नेता हैं सम्राट चौधरी वो आए हुए हैं, तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। और इस वक्त गांधी मैदान में जो है लंका दहन के कार्यक्रम का जो है क्यों शुरुआत हो गई है, लंका दहन कर दिया गया है। और उसके बाद जो है तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और हर कोई जो है इस लंका दहन को अपने साथ देख सकते हैं कि तस्वीरों में कैद कर लेना चाहता है। तमाम लोग जो है अपने मोबाइल से जो है वो तस्वीरें उतारने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं कि काफी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये इस वक्त जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि लंका दहन हो चुका है और लंका दहन के बाद जो है लंका दहन के बाद जो है यहाँ पर कुंभकर्ण मेघनाद और रावण के जो पुतले हैं वो जलाए जाएंगे। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से कि जो ये है सीधी तस्वीर दिखाएं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ लंका दहन जो है सोने की लंका उसे जो है यहाँ प्रतीकात्मक रूप में जलाया गया है। और आप देख सकते हैं कि जो लंका दहन का जो पूरा कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है और इसके बाद जो है कुंभकर्ण का जो है वो पुतला जलाया जाएगा। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से कि जरा तस्वीरों को दिखाते रहें। ये देखिए अब दूसरा पुतला कुंभकर्ण का है जिसे जो है वो जलाया जाएगा, उसकी प्रक्रिया भी इस वक्त जो है वो शुरू हो गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा है, काफी उत्साहित भीड़ नजर आ रही है और गांधी मैदान को काफी बेहतर तरीके से सजाया गया, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी गई है, पुलिस की व्यवस्था की गई है, हर जगह जो है वो प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद है ताकि किसी तरीके की जो है वो पैनिक की कंडीशन ना बने। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का उत्साह देखने लायक है। और देखिए कुंभकर्ण का जो है पुतला वो जलाया गया है। अब देखिए अब इसमें आतिशबाजियां यहाँ से होती नजर आएंगी और ये देखिए धमक पटाखों की कटराहट के साथ जो है आप देख सकते हैं लोगों का उत्साह। और वही दूसरी तरह कुंभकर्ण का पुतला जो है वो नजर आया और किस तरीके से ये तस्वीरें जो है लोगों को उत्साहित करते हुए नजर आ रही है। ये तस्वीरें वाकई जो है उत्साह बढ़ाने वाली है क्योंकि रामनवमी आज भगवान जो है वो कुंभकर्ण मेघनाद और रावण का जो है वो दहन कर विजयादशमी का त्योहार जो है वो मनाया जाता है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये अच्छाई की जीत का ये पर्व है, बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व जो है मनाया जाता है। इस तरीके से जो है यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि अब मेघनाद की तरफ जो है वो बढ़ता हुआ वो नजर आ रहा है। पूरा अब मेघनाद के कुंभकर्ण के बाद अब मेघनाद के पुतले को जलाया जाएगा, उसके बाद रावण का जो पुतला है वो जलाया जाएगा। तो हम आपको पटना, राजधानी पटना के गांधी मैदान से ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए देखिए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर लंका दहन का जो कार्यक्रम है वो मनाया जा रहा है। तो आप इस वक्त जो देख पा रहे हैं राजधानी पटना के गांधी मैदान की इस भीड़ को जो यहाँ पर इस लंका दहन के कार्यक्रम को देखने यहाँ पर आई है, राज्य सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की जाती है। देखिए तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो इस दृश्य को अपने कैमरों में कैद करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अब देखिए अब दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए, मेघनाथ के पुतले को जो है वो जलाया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर देखिए एक प्रतीकात्मक रूप से भगवान राम जो है यहाँ पर अपने धनुष पर बाण चढ़ाते हैं और उसके बाद प्रतीकात्मक रूप से इस पुतले पर चलाते हैं। उसके बाद जो है मेघनाथ के का जो है वो पुतला दहन किया जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारी हो रही है। देखिए मेघनाथ के पुतले पर राम ने जो है वो तीर चलाया, उसके बाद से जो है आतिशबाजी जो है वो अब शुरू होती हुई नजर आ रही है। ये देखिए जो मेघनाथ का जो पुतला है वो भी इस वक्त आपको जलता हुआ नजर आ रहा है, धमाकों के साथ।
हमें नजर आ रहा है। और ये गांधी मैदान के ऐतिहासिक मैदान में ये जो पूरा आयोजन है वो उसका दूसरा चरण जो है वो समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। कुंभकर्ण के बाद मेघनाथ के पुतले को आग के हवाले किया गया, उसे जलाया गया और इसके साथ देखिए आतिशबाजियां इस वक्त आपको होती हुई नजर आ रही है। इस पूरे कार्यक्रम का पूरा मजा लेने के लिए, आनंद उठाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा राज्यपाल और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पर्यावरण मंत्री जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता विजय चौधरी, सम्राट चौधरी यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा बिहार सरकार के तमाम मंत्री भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। और आपको इस वक्त ये जो नज़ारे दिखाई दे रहे हैं वो राजधानी पटना के गांधी मैदान का है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि रावण दहन का ये पूरा कार्यक्रम जो है वो कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। दो पुतलों को आग के हवाले किया जा चुका है, कुंभकर्ण और मेघनाथ। अब रावण की बारी है तो यहाँ पर अब रावण के पुतले को भी जो है वो जलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से आतिशबाजियां जो है वो इस बार विशेष तरीके की गई है। लेकिन आपको बता दें कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार की आतिशबाजी जो है वो काफी ज्यादा बड़ी और लंबी हुई है, क्योंकि कोरोना के बाद जो है वो पिछली बार जो था वो रिसेंट मनाया जा रहा है, ऐसे में उस बार जो है उतना ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन अब जो है पूरे हर्षोल्लास के साथ इस बार की विजयादशमी मनाई गई है और जो लोग हैं उन्हें भी यहाँ पर काफी संख्या में आने की अनुमति दी गई है। हालांकि पूरा जो है वो रास्ते को डाइवर्ट किया गया, जो है लोगों को निकलने के प्रबंध किए गए और यातायात जो है वो बेहतर रहे, इसका भी पूरा इंतजाम किया गया। जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई यहाँ पर। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि अब रावण का पुतला जलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यहाँ पर इस वक्त शानदार आतिशबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। आतिशबाजियों से इस वक्त जो है आकाश चमकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि शाम ढल चुकी है, गोधूली मेला चल रही है, लेकिन जो है आकाश में इस वक्त भी अच्छी खासी लाइट नजर आ रही है। लेकिन उसके बावजूद जो है पटाखों की ध्वनि, पटाखों का प्रकाश, उससे जो है पूरा आकाश इस वक्त आपको चमकता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो आप देख सकते हैं कि एक बार अब जो है रावण के पुतले को भी जलाने की तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये आतिशबाजी, ये जो अद्भुत आतिशबाजी का जो दृश्य है वो इस वक्त आपको नजर आ रहा है। अब देखिए कुंभकर्ण और मेघनाथ के बाद जो है अब बारी है रावण के पुतले की। हालांकि इस बीच एक बड़ी आतिशबाजी जो है वो देखने को मिली और काफी बड़े पैमाने पर आतिशबाजी का जो है ये विजयादशमी के इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई। अब आपको बता दें कि अब रावण के पुतले को भी जो है वो जलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। भगवान राम जो है वो प्रतीकात्मक रूप से अब देखिए अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, तीर चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने अब देखिए आग के हवाले कर दिया गया है। रावण का ये तीसरा पुतला अच्छाई पर बुराई की, बुराई पर अच्छाई की जीत का यह जय श्री राम के नारों से जो इस वक्त है गांधी मैदान गूंजता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि पटना के गांधी मैदान में रावण का ये आखिरी लक्ष्य में नजर आ रहा है। रावण जो है बुराई का प्रतीक, हर साल इस रावण को जलाया जाता है, अपने अंदर की बुराई को खत्म करने के का संदेश देते हुए हर साल इस बात की कोशिश होती है कि अपने अंदर की बुराई को लोग जलाएं। अब देखिए अब यहाँ पर जो है रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण के तीनों पुतलों को जला दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं यहाँ पर तस्वीरों में जो है लोग अपनी सारी यादों को कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राजधानी पटना के गांधी मैदान में आज जो है तमाम नेता, मुख्यमंत्री, राज्यपाल यहाँ पहुंचे हुए थे और उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होकर इस पूरे कार्यक्रम की जो है भव्यता बढ़ाई। इस वक्त जो है लंका दहन का पूरा जो कार्यक्रम था वो संपन्न हो चुका है। लगातार नवभारत टाइम्स के साथ बने रहिए, ऐसी ताज़ातरीन खबरों के लिए नवभारत टाइम्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।